कोई ऐसा मेरा बर लिखना जो मेरी जिंदगी भर बात माने, कोई ऐसा राक्षस मत लिख देना क्योंकि उस सभा में सब कोई आमंत्रित है। आज मैया जैसे ही पूजा की थाली रखी और जैसे ही मंदिर से बाहर निकली है, इधर से प्रभु श्री राम आ रहे हैं। आज इधर से प्रभु श्री राम आ रहे हैं पुष्प लेने, इधर से मैया सीता निकली हैं, आमने सामने पड़ जाते हैं प्रभु श्री राम और मैया। प्रभु श्री राम को निहार रही हैं और प्रभु श्री राम मैया सीता को मंद मंद मुस्का रहे हैं। मैया सीता कह रही है, काश मुझे पति के रूप में यही मिल जाते, पर ये तो बच्चे हैं, ये क्या धनुष का खंडन करेंगे तो क्या। अरे नजरिया गुरुजी से कहूंगा। आज लक्ष्मण ने हाथ पकड़ा अपने भैया का और खींच ले गए, चला आज इधर मैया सीता महलों में वापस आ जाती है। जाओ वहीं तो बड़े भैया जिंदा है। लक्ष्मण बैठ गए और राम खड़े हुए और गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी ने कहा, जाओ राम राजा जनक की प्रतिज्ञा को पूरा करो, आज धनुष रख दो यहीं पे, धनुष को प्रणाम करो और ऐसे उठाना है। हाँ चढ़ जा, प्रणाम कर लिया, ऐसे उठाओ ऐसे, और घूमते घूमते तोड़ना लली ने करो ऊपर ऊपर तब टूटा जाता। लला जी राम है शक्ति आ जाए तो लाओ तो मैं पता ये तो पिला पिलको कर गया होगा जो टूटे नहीं पे जब भी टूटे हो झगियो मत बताई। माला आप ले लो, माला कहां है दोए। आज तो महाराज राम जी लंबे हैं और सीता जी छोटी पड़ गई, तो लक्ष्मण खड़े हुए और कहा, ओ भैया कतई झुकन होना है, कतई झुके तो बदनामी है जाई। देख लियो भैया, आज सीता जी बोली, वे देखो लक्ष्मण शादी तो हमसे ही होनी है और शादी के बाद तुम्हारे भैया की दोनों पैरों की सेवा हमें करनी है। अगर जय वरमाला डलवा दोगे तो एक पैर की सेवा तुम्हें दे देंगे, मेरी किस्म भावी है तुम्हारी किस्म। क्या ले वाल वरमाला डलवाई। लक्ष्मण ने कहा, भैया तुमने इतना बड़ा काम किया, लाओ मैं तुम्हारे पैर छूता हूँ, मुझे आशीर्वाद दो। जैसे ही उन्होंने पैर छुए राम जी झुके, वैसे ही सीता जी ने माला डाल दी बोली, रामचंद्र भगवान की। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। आज सीता जी ने कहा, मैं अकेले विवाह नहीं करूंगी, अपनी तीनों बहनों के साथ विवाह करूंगी। आज राजा जनक ने कहा,